जिस तरह सालियां दूल्हे राजा को दरवाजे पर रोकने की रस्म अदायगी करती हैं, शिवसेना ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का रास्ता रोके खड़ी है। आखिर जब रस्म पूरी हो जाती है तब सालियां भी दूल्हे को अंदर जाने का रास्ता दे देती हैं और शिवसेना भी सरकार बनाने का रास्ता दे देगी। असल में महाराष्ट्र के हालात पर कुमार विश्वास ने कुछ ऐसी ही टिप्पणी की है। शिवसेना के संजय राउत बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं और इसके लिए वे कभी कविता तो कभी शायरी का इस्तेमाल करते हैं। असल में कुमार विश्वास ट्वीट कर इसी बात पर संजय राउत की चुटकी ले रहे थे। कुमार विश्वास ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, संजय भाई आप और साहेब दोनों कम से कम कविता तो हम जैसों के लिए छोड़ दो, बाकी द्वाराचार पर सालियों द्वारा दरवाजा रोकने की रस्म है पर जरूरी है, बाद में गठबंधन तो होकर ही रहता है। महाराष्ट्र में 56 सीटें जीतने वाली शिवसेना 105 सीटें जीतने वाली बीजेपी पर सीएम पद के लिए दबाव डाल रही है और 50-50 के फॉर्मूले पर बात कर रही है। पिछले 10 दिनों से दोनों पार्टियों के बीच इसी बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। कुमार विश्वास ने इसी बात को लेकर ये ट्वीट किया था।